आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? इस जगह का शशमांग से क्या लेना देना? मैंने कई दफा शशमांग को यहाँ आते देखा है। शशमांग यहाँ क्यों? वही तो, मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आज भी अपने दुख भुलाने के लिए घंटों यहाँ बैठा करता है। जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और शायद रो भी देता हूँ। शशमांग, और वो भी रोता हुआ? बेटा, अक्सर बाहर से पत्थर दिखने वाले लोग ना अंदर से टूटे हुए होते। लेकिन शशमांग के साथ ऐसा हुआ क्या था? ये देख क्या बनाया है शशमांग ने। ये तो बालवीर का लिबास है। शशमांग ने मेरा चित्र क्यों बनाया है? इस चित्र में बना लिबास तेरा जरूर है, लेकिन ये तू नहीं है। मतलब अब सब कुछ अपनी माँ से ही जान लेगा क्या? तू बालवीर है ना, चला अपना जादू, देख ले शशमांग ने क्या बनाया। ठीक है माँ। शशमांग, क्या शशमांग भी बालवीर बनना चाहता है? बनना चाहता है नहीं, शशमांग बालवीर था। उत्तान ने शशमांग को पहला बालवीर बनाया था, लेकिन क्या हुआ? बालवीर बने शशमांग से गलती से एक निर्दोष को चोट पहुंची और उस गलती की सजा में शशमांग से बालवीर की उपाधि और सारी शक्तियां छीन ली गई। बाबे, तुम यही रुको, मैं शस्त्रागार खुलवाकर आगिल के शस्त्रों से हमला करती हूँ। तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, काशवी अभी भी आगिल के पास है, हम कहीं किसी और बड़ी मुसीबत। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? बाबे, आगिल की जान काशवी में से अपना महाजादू निकालने में अटकी हुई है। उसके सबसे अहम शस्त्रों को जलता देख ही उसका ध्यान हटेगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? सेना, शस्त्रगार खोलो। आगिल का महाजादू अचानक से बेकाबू हो गया है, जहाजी इलाके पर सब पर हमला कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? खोलो, आगिल ने महाजादू का सामना करने के लिए शस्त्र मंगवाया है, खोलो। आगिल की अनुमति का प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आगिल का आदेश है ये। प्रमाण? मैं तुयेर हूँ, आगिल की सुरक्षा के लिए मैं शस्त्र लेने आई हूँ। दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुम लोगों ने, महाजादू बेकाबू हो गया है, कभी भी किसी पर हमला हो सकता है। वहां आगिल जिंदगी और मौत से लड़ रही है सबको बचाने के लिए। अगर तुम लोगों के वजह से आगिल को कुछ भी हो गया ना, तो आगिल के मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। तेरा क्या सोच रहे हो? खोलो। जाने दो उनको, जाइए। बेटा, बालवीर को निर्दोष और निर्बलों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। उससे किसी भी तरह की गलती की ना तो उम्मीद की जाती है और ना ही माफी दी जाती है। बेटा, तू अपना ध्यान रखना,
तेरी एक गलती और तू बालवीर नहीं रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा ना। जब तक मैं तेरे कान पकड़ रही हूं ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन उत्तान को अपने कान पकड़ने का मौका मत देना। आगील की सेनापति की पोशाक में और उसके साथ हिम्बास लोग की और भी सेना है। इन्हें रोकना होगा बालवीर। सेना नहीं, शाश्वान लोग के नियमों के अनुसार पहले हम इन्हें चेतावनी देंगे। दिल्लाक, पहली चेतावनी। हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा चित्रा, वरना आगील हमें जान से मार देगी। तेतरा तू है? ये फायरिंग कैसी? ये चेतावनी है। उन्हें लग रहा है कि हम उन पे हमला करने आए हैं। तीसरी चेतावनी के बाद वो लोग हम पे हमला करने लगेंगे। चलो बाबी, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें लौट जाना चाहिए। बाबी, हम लौटे तो आगिल की सेना हमें मार डालेगी। हम वापस नहीं जा सकते, एक ही चारा है बाबी, आगे जाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो। दूसरी चेतावनी। अंधेर, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वक्त कम है, जल्दी चलो। ये सब तो वापस चले गए, लेकिन ये दोनों अभी भी इसी तरफ आ रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है बालवीर। तीसरी चेतावनी दो। चलो बाबिल, बाबिल चलो चलो। बालवीर, ये रुकने रहे, मैं इन्हें मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। काशवी कहाँ है?
देखिए हम निर्दोष है, हम आपके दुश्मन नहीं है, हमें मत मारना प्लीज। हम तो बालवीर के शरण में आए थे अपनी जान बचाने को, हमें मारो नहीं। देखिए हम हाथ से इशारा कर रहे थे मदद के लिए, प्लीज प्लीज हमें मत मारना प्लीज। हमें आगे से खतरा था, हम बालवीर के पास जान बचाते, क्या किया तुमने? निर्दोषों निर्बलों की रक्षा करने की कसम लेते ही दो निर्दोषों की हत्या कर दी तुमने। ये बालवीर से कैसी अनहोनी हो गई मामई मुत्ता? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.